सलाखों के पीछे डाला गया ठाकुर गिरोह, मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली कामयाबी, जनता खुश। पुलिसकर्मियों की दबिश और सघन अभियान के चलते आखिरकार उत्तर बिहार के कई जिलों में हुए बैंक डकैतियों, लूट, हत्या समेत कई अन्य कांडों में वांछित बिट्टू ठाकुर गिरोह के सक्रिय सदस्यों को सलाखों के पीछे डालने के बाद अब मुजफ्फरपुर की जनता, व्यवसायी और जिला पुलिस ने राहत की सांस ली है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए मीडिया को बताया कि कई मामलों में ये सभी वांछित थे। देश भर के लगभग आधा दर्जन बैंकों में बैंक डकैती कर चुके और 40 से ज़्यादा बड़ा बैंक डकैतों का ग्रुप बना चुके कुख्यात अपराधी बिट्टू ठाकुर, झुंझुन ठाकुर और रजनीश, जिसे मुजफ्फरपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में लगातार कई दिनों की कार्रवाई के पश्चात में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर श्री नीरज कुमार और उनकी टीम के सहयोग के द्वारा गिरफ्तार किया है। और इसने एक दर्जन से अधिक बैंक डकैतियों एवं हत्या की साजिशों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हथियारों के बल पर नकदी लूटने वाले गिरोह के सदस्य वारदात के बाद दूसरे शहरों में शिफ्ट हो जाते थे। बिट्टू ठाकुर और झुंझुन ठाकुर, ये दोनों जो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भी बैंक लुटेरे हैं, जो पूर्व में वांछित रहे थे या फिर वो कुछ बैंक डकैती कर चुके थे, उन लोगों को ये लोग अपने गिरोह में शामिल करते थे और उसके बाद में ये उनको कांटेक्ट करते थे, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करते थे या दूसरे भी साधनों से कांटेक्ट करते थे। इसके अलावा ये बैंकों का एक वीडियोग्राफी भी बना लेते थे, जिससे जो है व्हाट्सएप के जरिए आपस में बैंक डकैती की योजना में उसको पूरा प्लान करते थे और उसके बाद नहीं करते थे। इस प्रकार दहशत का प्राय बन चुके ठाकुर गिरोह की गिरफ्तारी और उनके सलाखों के पीछे डाले जाने के बाद अब अपराध में कमी आने की बात बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, मुजफ्फरपुर।